नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चने की दाल बनाएंगे। ये स्वाद में एकदम अलग, बहुत अच्छी लगती है। तो जब कभी कुछ अलग दाल खानी है तो आपसे बना सकते हैं। तो आइए चने की दाल बनाना शुरू करते हैं। चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की दाल को उबालकर तैयार करेंगे। तो ये हमने एक कप चने की दाल ली है, जिसे हमने 3-4 घंटे पानी में भिगो लिया। अगर आप चने की दाल को पहले से नहीं भिगाएंगे तो आप अपने कुकर में सीटी आने के बाद भी पूरे 15-20 मिनट तक दाल को पकाते रहेंगे, तब कहीं दाल पक कर के तैयार होगी। आप इसे भिगा देंगे, बहुत जल्दी दाल पक जाएगी। तो दाल को हम कुकर में डाल देते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, तो हम 1.5 कप पानी डाल देते हैं। एक्चुअली में दाल से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए पानी, करीब 1/2 इंच ऊपर हो। बहुत ज़्यादा पानी कुकर में नहीं डालेंगे। इसमें हम नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी बचा लेते हैं। कुकर बंद कर देंगे और दाल को 1 सीटी आने तक पकने देते हैं। जब तक हमारी दाल पक रही है, तब तक इधर हम ये टमाटर काट कर तैयार कर लेंगे। हमने 2 टमाटर ले लिए, टमाटर को हम बारीक काट लेंगे। ये टमाटर हमने काट कर तैयार कर लिया और हरी मिर्च के हम डंठल तोड़ के लंबाई में 2 भागों में काट लेंगे। इस तरीके से बीज भी हटा देते हैं, जितने निकल जाए आराम से। तो मिर्च अपने हिसाब से आप ज़्यादा तीखा पसंद करें 4 मिर्च डाल सकते हैं। और मैं इन्हें बारीक नहीं काट रही हूँ, ताकि जिनको तीखा खाना हो वो आराम से मिर्ची उठा के खा लेंगे और जिनको नहीं खानी है वो मिर्च नहीं खाएंगे। और ये 2 मिर्च मैं लाल साबुत ले रही हूँ, ये हम साबुत ही डालेंगे, तो इनका भी स्वाद दाल में अच्छा आता है और दिखने में अच्छी लगती हैं। दाल में सीटी आनी शुरू हो गई है, हम गैस कम कर देते हैं और धीमी गैस पर दाल को 5 मिनट तक उबलने देते हैं। दाल को हमने धीमी गैस पर पूरे 5 मिनट पका लिया है। हम अगर तेज गैस पर दाल को पकाएं तो बार बार सीटी आती है, कुकर का प्रेशर बार बार निकल जाता है और हमारी दाल को पकने में उतना ही समय लगता है। लेकिन हम गैस को कम कर दें तो दाल उसी प्रेशर में कुकर में पकती रहती है, सीटी बार बार नहीं आती। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर को हम दूसरे गैस पर रख देते हैं। जब तक कुकर नहीं खुलता तब तक हम दाल इसी में रहने देंगे, यानी कि कुकर का सारा प्रेशर निकलने तक हम दाल को कुकर में ही रहने देंगे। हमारी दाल अभी भी पक रही है इसके अंदर, तो ये हम कुकर इधर रख देते हैं। और इधर हम कढ़ाई में तब तक दाल के लिए मसाला तैयार कर लेंगे जब तक हमारा कुकर खुलेगा। तो कढ़ाई गर्म करते हैं और 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। हम दाल का तड़का देसी घी में बना रहे हैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है और घी में हम जीरा डाल देंगे। गैस कम कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। 1 पिंच हींग डालेंगे और हल्दी पाउडर जो हमने थोड़ा सा बचाया था, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें ये हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं। हम दाल घी में बना रहे हैं क्योंकि हम दाल बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। देसी घी में बहुत अच्छी दाल बनती है। अगर आप दाल लहसुन प्याज डालकर बनाएं तो जीरा भूनने के बाद 4-5 कली लहसुन की बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक कटी हुई डालें और उन्हें हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद सारे मसाले इसी तरीके से डालते हुए दाल का मसाला तैयार करें। तो ये हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल देते हैं। हमारा मसाला भुन चुका है और टमाटर के अच्छे तरीके से नरम होने तक हम इन्हें पकाएंगे। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी दाल पसंद हो तो लाल मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर
बिल्कुल हल्के मसाले खाते हैं तो बिना लाल मिर्च के भी दाल बना सकते हैं। ये मसाला भुन गया है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले से घी अलग हो रहा है। और इधर हम अपनी दाल को भी चेक कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और दाल भी देखिए पूरी तरीके से पककर तैयार है। तो दाल को हम मसाले में डालेंगे और जितना दाल को हम गाढ़ा या पतला रखना चाहें उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें आधा कप के लगभग पानी और डाल देते हैं। दाल में हम 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मिला देंगे। दाल को ढककर धीमी आग पर 4-5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई है। अच्छी गाढ़ी दाल बनी है। हमारी दाल बनकर तैयार है। दाल को हम प्याले में निकाल लेते हैं। दाल के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं, इससे दाल दिखने में भी सुंदर लगती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और थोड़ा सा धनिया भी दाल के ऊपर डाल देते हैं। चने की दाल खाने के लिए तैयार है। चने की दाल को नान, चपाती, पराठे या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और इतनी दाल परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप चने की दाल बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadrika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।